नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ घड़ी का पार्ट टू। आज मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से समझना इजी वे में। आप वीडियो पुश करके नोट बुक लेके बैठना और घड़ी के सारे क्वेश्चन कर लोगे इस वीडियो के बाद। ध्यान से स्टार्ट करते हैं। घंटे की सुई और मिनट की सुई में क्या संबंध है, आज उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, जो एक मिनट में मिनट वाली सुई कितनी दूरी चलती है, तो ध्यान रखना 60/55, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इससे बहुत क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो एक मिनट में ना कितनी दूरी चलेगी घड़ी में, तो ये चलेगी 60/55, याद रखना, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो समझा दे। देखो घड़ी में 3 कब बजेंगे, देखो ये घड़ी में 3 बज गए, यहाँ देखो ये देखो 3 बज गए। अब ये हमारे भाई बताइए, भाई घड़ी में अगर एक साथ आना है तो पहले ये 15 मिनट चलेगी, तभी तो एक साथ आएगी, 15 मिनट चलेगी। देखो ये 15 मिनट चलेगी, 15 मिनट चलेगी ये घड़ी, देखो 15 मिनट रख लिया। अब 1 मिनट में कितनी चलती थी, 60/55, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, 60/55। ये देखो 5 × 3 = 15, 11 × 5 = 55, ठीक है। 6 × 6 = 18, 180/11, 16 = 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होगी, मतलब एक पे एक होगी, यहाँ कहीं एक पे एक दोनों घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी दोनों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हो, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, ध्यान से समझना। देखो 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल होगा। अब देखो घड़ी में हमने पहले 5 बजा दी, देखो ये 5 बज गए, ये देखो। अब ये बताइए हमें यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा, 25 मिनट चलना पड़ेगा, तभी तो ये मिनट वाली सुई घंटे के ऊपर आएगी। देखो 25 और 60/55 मुझे पता था, गुणा कर दे 300/11, मतलब 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और कराते हैं, फिर दूसरा टाइप का कराते हैं, ठीक है। ध्यान से समझें, बहुत इजी वे में बड़ा प्यार से समझा रहे हैं, ध्यान से समझें, ठीक है। 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। अब देखो हमने 2 बजा दिए घड़ी में, अब कितना चलेगी, 10 मिनट चलेगी, 10 मिनट चलेगी, ये ध्यान से 10 मिनट चलेगी। तो वो 10 × 60/55 कितना आएगा, 120/11, मतलब 10 × 10/11 पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन करा रहे, ध्यान से समझ। देखो घड़ी में कब समकोण बजेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घड़ी में समकोण मतलब 90 डिग्री कब होगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, मिनट और घंटे के बीच 90 अंश कब होगा। देखो एक क्वेश्चन देखना, 4 और 5 बजे के बीच किस समय पर घड़ी में 90 अंश बनेगा, मतलब 90 अंश का मतलब समकोण कब बनेगा। ये देखना, ये देखो घड़ी बनी, ये देखो मेरी घड़ी बनी, ये पूरी घड़ी बनी है, देखो घड़ी बनी है। अब ये बताइए 90 अंश कब बनेगा, जब 15 मिनट का अंतर होगा तभी तो 90 अंश बनेगा, 4 90 अंश के बने तभी तो 360 होता, मतलब हर 15 मिनट के बाद 90 अंश बनता है। देखो अगर 3 बजे होंगे तो 90 अंश बनेगा, ठीक है। अब देखो 4 और 5 बजे की बात करिए, देखो देखो घड़ी मैंने 4 बजा दिए, तो घड़ी में 4 बजा दिए, अब जो ये 20 मिनट का अंतर है, हमें चाहिए 15 मिनट का, तो इसमें से अगर 5 घटा दें तो 15 मिनट का अंतर आ जाएगा। अब 5 जो घटाया है भाई, उसी 5 में हम 60/55 का गुणा कर दें, 60/55 का गुणा करते तो 60/11 आ जाएगा, और ये 5 मिनट 5/11 मिनट पर समकोण बनेगा, मतलब 5 × 5/11 पर, मतलब 5 मिनट के बाद कुछ सेकंड और लगेंगे तो समकोण बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन वगैरह अगर प्रॉब्लम हो ना तो वीडियो रिवर्स करके जरूर देख लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो दूसरा बता दीजिए और क्लियर में दूसरा वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो 10 और 11 बजे के बीच घड़ी में किस समय समकोण होगा। अब देखो पहले तो हमने 10 बजा दिए, देखो घड़ी में 10 बजा दी, अब हमें चाहिए 15 मिनट का अंतर, ये तो 10 मिनट का है, 15 मिनट का अंतर करके लिए मैं क्या करूँगा, 5 और ऐड कर दूंगा। अब जो 5 ऐड करें उसी में 5 में ऐड करें 60/55 को गुणा कर दीजिए, 6 60/11 आ जाएगा, मतलब 5 × 5/11 पर मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का होगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखिए, फिर अलग टाइप का कराते हैं। देखो 7
और 8 के बीच के समय समकोण होगा, 90 अंश होगा। देखो 7 हमने, ये देखो 7 बजा दिए, 7 हमने ये 7 बजा दिए, देखो मैंने 7 बजाई। अब ये कितना, 35 मिनट का अंतर है, 35 मिनट का, और हमें चाहिए 15 मिनट का अंतर। तुम कितना घटाएंगे, 20 घटाएंगे तभी तो 15 मिनट आएगा, तभी तो आएगा 15 मिनट। अब देखो तो 20 में हम 60/55 गुणा कर देंगे, तो 4 5 20, 11 5 55, 6 4 24, 240/11, मतलब 11, देखो 11 21 21 मिनट 9/11 सेकेंड पर दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये देखो ये देखो, 35 मिनट का अंतर था, 7 बजे, देखो 7 बजे मैंने 7 बजाए, 7 की 7 बजे, 35 मिनट का अंतर हमें चाहिए 15 मिनट का, 15 मिनट के अंतर में तो 90 अंश बनता है कौन, तभी तो 90 अंश बनता है 15 मिनट पर। तो देखो 20 मिनट जब घटा गए तो 15 मिनट आ जाएगा। तुमने क्या घटाया, 20 घटाया, 20 का सॉल्यूशन कर दिया, ये आया। ठीक है, रिवर्स करके देख दीजिए। ठीक है, देखो लास्ट लास्ट टाइप एक रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है किसी, समझो अगर देखो घड़ी में 12:30 है, क्या है, रियल टाइम है। अगर हमें इस टाइम को मिरर में देखें तो कितना बजेगा, देखो अगर मिरर में देखें तो इसे जो 30 मिनट है ना, उसे 11:60 में से घटा देना है, 30 मिनट घटा दिया तो कितना आया, 11:30 आ गया। 12:30 होगा तो घड़ी मिरर में, मतलब शीशा में बजेगा 11:30। ठीक है, अब दूसरा देखो, देखो 12:45 हुआ, 45 मिनट हुआ तो 11:60 में से मैंने घटा दिया, 45 मिनट घटा दिया तो क्या आ गया, 11:15 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 बजाए रियल टाइम, ये घड़ी में रियल टाइम 2:40 हुआ तो 11:60 में से 2:40 घटा दे तो 9:20 आएगा। तो ये 9:20 है ना मिरर में बनेगा, पानी है मिरर में। ठीक है, देखो अब 6:15 हुआ है तो मिरर में कितना बजेगा, तो 11:60 में से हम घटा देंगे इसको, 11:60 में से इसको 6:45 घटाएंगे तो 5:45 आएगा। तो यही 5:45 जो है मिरर में बचेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दें। देखो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, तो जाके हम दूसरा वीडियो डाल सकें। जय हिंद, जय भारत।